नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मुद्रा स्फीति एवं मुद्रा संकुचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। मुद्रा स्फीति की रोकथाम या नियंत्रण के तरीके बताइए। जो मुद्रा स्फीति होती है उसके विषय में हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी इन्फ्लेशन महंगाई, और मुद्रा संकुचन डिफ्लेशन, इसके बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या होता है, और मुख्य बात यह है कि मुद्रा स्फीति को रोकने के या नियंत्रण करने के तरीके हमारे पास क्या हैं। सबसे पहले आप आंसर कैसे लिखेंगे, मुद्रा प्रसार एवं मुद्रा संकुचन में मुख्य अंतर। अगर आप वहां पर मुद्रा स्फीति या मुद्रा संकुचन को समझाना चाहते हैं तो दो तीन लाइन में समझा दीजिएगा कि मुद्रा स्फीति में क्या होता है। पैसे की कीमत घट जाती है क्योंकि पैसे की बाढ़ आ जाती है, या फिर आप कह सकते हैं पैसे बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाते हैं, अर्थव्यवस्था में आ जाते हैं, और मुद्रा संकुचन में जस्ट उल्टा होता है। ये सारी बातें आप बता देंगे वहां पर, उसके बाद ये डालेंगे इन दोनों में अंतर। पहला अंतर क्या होता है, अर्थ बताएंगे। अर्थ, मुद्रा प्रसार, जब अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा बढ़ाई जाती है तो इसे मुद्रा प्रसार कहा जाता है, या बढ़ाई जाती है या बढ़ जाती है, ठीक है, किसी कारणवश। दूसरा, मुद्रा संकुचन, जब अर्थव्यवस्था में पैसे की मात्रा घटाई जाती है या कम हो जाती है, इसे मुद्रा संकुचन कहा जाता है। उसके बाद आप बताएंगे प्रभाव क्या पड़ता है इसका, ये अंतर चल रहे हैं। मुद्रा प्रसार, इससे ब्याज दरों में कमी आती है, क्योंकि मुद्रा प्रसार है, जब ब्याज दर कम हो जाते हैं तो लोग क्या करेंगे, लोन ज़्यादा से ज़्यादा लेने लगेंगे। अब जब लोन लेने लगेंगे तो उनके पास धन की मात्रा, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी, और उनके पास परचेजिंग पावर आ जाएगी, सबके पास आ जाएंगी तो वस्तुएँ तो उतनी हैं, तो वो क्या होगा, डिमांड करने लगेंगे, जिससे वो जो विक्रेता होगा या जो प्रोड्यूसर होगा उसकी कीमत बढ़ा देगा, ठीक है, और ऋण लेना सस्ता हो जाता है। इसके उलट मुद्रा संकुचन में क्या होता है, इससे ब्याज दरें बढ़ती हैं और ऋण लेना थोड़ा महंगा हो जाता है। अगला है महंगाई पर प्रभाव क्या पड़ता है, मुद्रा प्रसार, इससे महंगाई बढ़ने की संभावना रहती है और वास्तव में बढ़ती भी है, ठीक है, क्योंकि बाजार में पैसे की अधिकता हो जाती है। क्योंकि आप जानते हैं हमारे लाइफ में भी यही रूल अप्लाई होता है, लागू होता है, कि ज़्यादा किसी के सामने, किसी ने अच्छा कहा है ना कि किसी के अगर पास रहना है तो उससे दूर रहना सीखिए। बहुत अच्छी बात बोली है कि जितना पास किसी व्यक्ति के रहना चाहते हैं उतना ही दूर उससे रहना सीखिए। ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास जाओ मत, मिलो मत, मिलो, लेकिन अगर आप उसके दिल में रहना चाहते हैं तो थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। मुद्रा संकुचन, इससे महंगाई घटने की संभावना रहती है क्योंकि बाज़ार में पैसे की कमी आ जाती है। तो आप कहेंगे ये देखो इससे तो महंगाई कम हो रही है तो मुद्रा संकुचन क्यों नहीं लाया जा रहा। भाई साहब ये बहुत खतरनाक होता है, इसकी कल्पना भी मत करना, ये इतना खतरनाक होता है कि हालत ख़राब हो जाती है देशों की। मुद्रा प्रसार ठीक है हाँ, लेकिन वो नियंत्रण में है, रहे, वो धीरे धीरे बढ़े, मतलब महंगाई बढ़े बट धीरे धीरे बढ़े तब ठीक है, एकदम से बढ़ जाएगी तब भी बहुत खतरनाक है, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछा जाता है कि क्या अच्छा है, मुद्रा प्रसार या फिर मुद्रा संकुचन, तो आपका पक्ष मुद्रा प्रसार की तरफ ज़्यादा होना चाहिए। अगला है बट नियंत्रित वे में, जो नियंत्रित होता है नियंत्रण के आधार पर ही होना चाहिए, थोड़े थोड़े महंगाई बढ़नी चाहिए। अगला है अर्थव्यवस्था की वृद्धि, तो मुद्रा प्रसार, इससे अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है और विकास को गति मिलती है। इसके उलट मुद्रा संकुचन में, इसमें अर्थव्यवस्था में धीमापन आ जाता है और विकास की गति घट जाती है। अगला है केंद्रीय बैंक की नीति, तो आखिर केंद्रीय बैंक की नीति क्या होती है इस मामले में, है ना, या क्या रही होती है जिससे ये आता है। मुद्रा प्रसार में केंद्रीय बैंक खुले बाजार में बॉन्ड खरीदती हैं, तो बॉन्ड्स जो होती हैं वो केंद्रीय बैंक के जैसे RBI वगैरह खरीदती हैं। खरीदने से क्या होगा, जैसे खरीदा आपसे तो पैसा मार्केट में आ जाएगा और ब्याज दरों को कम कर देती हैं, तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते हैं, आपके पास परचेजिंग पावर आती है। इसके उलट क्या होता है, मुद्रा संकुचन, केंद्रीय बैंक जो होता है बॉन्ड बेचता है और ब्याज दरों को बढ़ाता है। अब हम देखते हैं मुद्रा प्रसार की रोकथाम के तरीके क्या हैं, यानी मेजर्स टू चेक, चेक का मतलब नियंत्रण करना या रोक लगाना होता है, ठीक है, कंट्रोल इन्फ्लेशन, ठीक है। पहला है बचत को प्रोत्साहन, यानी एनकरेजमेंट टू सेविंग्स। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है, और जो हमारे देश की सरकार है उसको चाहिए, और या फिर किसी भी देश की सरकार या केंद्रीय बैंक को ये चाहिए कि वो बचत को प्रोत्साहित करे। बचत प्रोत्साहित करेगा, मान लीजिए आपके पास इतना पैसा है तो आपके पास घर पे पैसा है, बार बार खर्चा करेंगे आप, अगर आप इतना पोर्शन सेविंग में डाल देंगे तो आपके पास कम पैसा बचेगा, तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा यूज़ करेंगे जिससे महंगाई कम आएगी,
क्योंकि आपकी डिमांड कम हो जाएगी। अगला है आयात को बढ़ाना तथा निर्यात को घटाना। तो इसमें इस केस में क्या होगा, मान लीजिए महंगाई आ गई है यानी कि आपके वहाँ वस्तुओं की कमी हो गई, यही तो मतलब हुआ, पैसा लोगों के पास ज़्यादा आ गया है, वो डिमांड ज़्यादा करने लगे हैं, तो आप क्या करिए, निर्यात को घटा दीजिए, आयात को थोड़ा बढ़ा दीजिए, यही चीज़ है, इंक्रीज इन इम्पोर्ट एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। अगला है उत्पादन में वृद्धि यानी इंक्रीज इन प्रोडक्शन। महंगाई आ गई, इसका मतलब क्या है, डिमांड बढ़ गई है, उस डिमांड को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करिए, उत्पादन को धीरे धीरे बढ़ा दीजिए। हालांकि इतनी जल्दी जो उत्पादन होता है नहीं बढ़ पाता है, जिसकी वजह से मुद्रास्फीति आती है। अगला है साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल्स। तो जितने भी बैंक्स हैं या केंद्रीय बैंक को चाहिए, जो छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बैंक हैं, जैसे क्या कौन सा हो गया, जैसे मान लीजिए HDFC बैंक हो गया, SBI हो गया, और भी बैंक हो गए छोटे मोटे, ठीक है, उनको कंट्रोल करे केंद्रीय बैंक जो सबका पापा बैठा हुआ है RBI, ठीक है, और उनसे कहे कि भैया जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बार बार इशू कर रहे हैं ना, मार लोन बांटे दे रहे हैं, इसको नियंत्रित करो, ठीक है। तो ये सब करना चाहिए, साख नियंत्रण के काम में लाना चाहिए, करों में वृद्धि कर देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, वो चीज़ महंगी हो जाएगी, लोग धीरे धीरे खरीदेंगे, कम खरीदेंगे, इंक्रीजिंग टैक्सेस। अगला है निर्माण कार्यों में कमी कर दे सरकार, ठीक है। निर्माण कार्यों में कमी करने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए आप बार बार निर्माण कार्य कर रहे हैं, तो उसमें जो मजदूर होंगे, जो उसमें इंजीनियर्स होंगे और भी होंगे, तो होगा क्या, वो काम करेंगे जाके उनको बार बार पैसा मिलेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो क्या करेंगे भाई, सामान भी तो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे ना, तो यही इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क, वो उसमें थोड़ी सी कमी कर दो, रोक मत दो बट कमी कर दो, ठीक है, जिसकी वजह से मुद्रा जो है एक पास रहेगी और वो डिस्ट्रीब्यूट होकर किसी के पास जाएगी नहीं, परचेसिंग पावर जाएगी नहीं, ये चीज़ कह रहा है। अगला है सरकारी व्यय पर नियंत्रण। तो सरकार को भी चाहिए कि कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना चाहिए, अपनी जो योजनाएं हैं, भारी भारी योजनाओं पर व्यय कर रही है, उसको रोकना चाहिए, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो ये हमने प्रश्न कर लिया है, मुद्रास्फीति एवं मुद्रा संकुचन में अंतर स्पष्ट कीजिए और मुद्रास्फीति की रोकथाम या नियंत्रण के तरीके बताइए, ये डायरेक्ट प्रश्न आपके पेपर में आता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।